Okay, students, so yesterday what we learned? We learned about design and pattern. We learned about difference between design and pattern. And there was one activity also, no? जिसमें भोलू रैट था, भोलू चूहा जो था, उसने शॉल कुतर दी थी. तो आपने वो मुझे हेल्प किया था बताने में कि कौन सा पीस उस शॉल का है जो भोलू ने कुतरा होगा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन विच इज मदर वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग दिस. ये आपको नजर आ रहा है, ये इसको यूज करके माधव जो है अपना एक पैटर्न बनाना चाहता है गेट का. गेट आपने देखे होंगे ना, बहुत सारी उसमें ग्रिल्स लगी होती हैं, तो जो ग्रिल्स होती हैं उसमें इस तरीके के पैटर्न्स, इस तरह के डिजाइन्स होते हैं ना. कल भी हमने देखा था कि ग्रिल का पैटर्न कैसा था और उसको थोड़ा सा चेंज करके उसका विंडो का पैटर्न बना था, राइट? देखिए, ये मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि ग्रिल का पैटर्न है किए था और उसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से ग्रिल का पैटर्न बन गया जो कि विंडो में लगा था, ठीक है? तो आज आपको माधव को हेल्प करना है, उसने इस वाले डिजाइन से ग्रिल बनानी है. तो कैन यू गेस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म विद दिस. ये जो ये वाला डिजाइन है ग्रिल का, उससे इनमें से कौन सा डिजाइन नहीं बनेगा, तो देखते हैं. ये वाला डिजाइन बन जाएगा. देखो यहाँ पे एक ऐसे करके एक डायमंड शेप है और यहाँ साइड में दो ऐसे विंग्स हैं, तो ये सीधे 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 लगा के बन जाएगा. दैट मींस ये बन जाएगा ना, तो हम इसको टिक कर देते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये जो नेक्स्ट है ये वाला, इस पैटर्न में क्या ये ग्रिल ऐसे लगा के बना सकते हैं? नो. क्यों? क्योंकि ये वाले में देखो आप, डायमंड शेप ऊपर और विंग्स ऐसे, ये देखो ये डायमंड शेप ऊपर है और विंग्स ऐसे सीधे हैं. यहां पर देखो डायमंड शेप नीचे कर दी, जो कि ऐसे है ही नहीं ये शेप, तो ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा. अगर आप देखो तो ये वाला, अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये ऐसे है यहां, एक मिनट, ओके. तो जैसे ये वाला ऐसा पैटर्न है और अगर इसका उल्टा करेंगे तो इस तरीके से कुछ शेप आएगी, जो कि ये वाले जो विंग्स हैं ये इधर उल्टे जाने चाहिए, लेकिन ये ऐसे सीधे ही है, तो ये वाला पैटर्न भी नहीं बनेगा. तो हम इसको भी जो है क्रॉस कर देते हैं. ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा ना, तो ये क्रॉस कर देते हैं हम इसको, ठीक है? ये वाला पैटर्न ये भी नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका ये जो है दोनों साइड विंग्स है और ये दोनों साइड इसमें विंग्स नहीं है, ओके? ये वाला पैटर्न तो वैसे ही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक भी विंग नहीं है, है ना? तो ये वाला पैटर्न भी नहीं बनेगा. ओके, और ये वाला पैटर्न बनेगा क्योंकि जो आपका ऑलरेडी ये वाला डिजाइन है इसको ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, इसी तरह नेक्स्ट भी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये वाला आपका डिजाइन बन जाएगा, ठीक है? आई होप इतना समझ में आया, यू गॉट दिस वन. सो नाउ वी विल गो फॉर द वर्कशीट. ये देखिए, ये आपकी वर्कशीट है. इस वर्कशीट में मैं आपको दो क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद
ये वर्कशीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगी करने के लिए। ये देखिए ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल और यहाँ क्या आएगा सर्कल। ओके गुड, तो यहाँ हम सर्कल कर देते हैं। और फिर अब नेक्स्ट में क्या आएगा, यस ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लगा देंगे। आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे आपको सारा ये सीक्वेंस बनाना है, पूरा करना है। एक और मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी फिर आप करेंगे। इसमें रेक्टेंगल कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे रेक्टेंगल वर्टिकल है, यहाँ फिर हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे कैसा आएगा वर्टिकल ट्राइंगल। तो हम वर्टिकल ट्राइंगल यहाँ लगाएंगे। फिर कौन सा ट्राइंगल रेक्टेंगल आएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ ट्राइंगल और वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई विल सेंड यू द वर्कशीट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। थैंक यू।